टेक्स्ट मैसेज ना आ रहा है ना जा रहा है। मोबाइल में मैसेज नहीं आ रहा है ना जा रहा है। टेक्स्ट मैसेज नॉट रिसीव नॉट सेंड। दोस्तों, अगर आप अपने स्मार्टफोन से, किसी भी स्मार्टफोन से टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं तो आपको टेक्स्ट मैसेज ना तो आ रहा है ना आप भेज पा रहे हैं, यानी कि ना जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है उसका मैं 100% सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। YouTube पे इसकी ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन रिसेंट में न्यू वीडियो यही अपलोड हो रही है। इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना होगा। उसके लिए आपको जो मैं आपको तरीके बताऊंगा, नंबर एक एक करके आपको समझने होंगे। ठीक है, तो लाइक शेयर कर दीजिए चैनल को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो मोबाइल में सिम कार्ड डला हुआ है उस सिम कार्ड में पैक का प्लान डला हुआ है कि नहीं डला हुआ है। जैसे आपकी जियो की सिम है तो वो भी आप माई जियो ऐप से कर सकते हैं, या फिर आपकी एयरटेल की सिम है तो प्ले स्टोर पर जाके आप माई थैंक्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें भी आपको ये शो हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको ये देखना है कि आपके पैक के अंदर SMS प्लान है कि नहीं है। ठीक है, भेजने के लिए, उधर से आने के लिए तो बताऊँगा क्या करना है। ठीक है, ये आपको सबसे पहले चेक करना है। फिर आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का जो ये देखो पावर वाला बटन होता है उसे आप दबा के रखेंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊँ, दबा के रखा मैंने तो आप देख सकते हैं रीस्टार्ट का ऑप्शन आ गया। अब आपका फ़ोन कोई और होगा रेडमी वगैरह का तो वहाँ पर रिबूट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आपको अपने फ़ोन को क्या करना है, रीस्टार्ट या रिबूट कर लेना होगा। ठीक, नंबर एक तो मैंने आपको बताया प्लान चेक करना है, नंबर दो मैंने आपको बताया मोबाइल को रीसेट करना होगा, डाटा डिलीट नहीं होता है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको उस एप्लीकेशन को अपडेट करना है प्ले स्टोर में जाके। ठीक है, मैसेज एप्लीकेशन डालेंगे और वो एप्लीकेशन आपको अपडेट के लिए मांगेगा तो मैं आपको अपडेट कर लेना होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे यहाँ लिखना है मैसेज, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे इस तरीके से एप्लीकेशन आ जाएंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यही है। ठीक है, ये देख सकते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। यहाँ पे आपको मैं जो बताऊंगा उसी एप्लीकेशन को आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पे मैसेज लिख दिया, मैसेज यहाँ पे लिखना है गूगल मैसेज ऐप, इस तरीके से डालेंगे तो फिर यहाँ पे आपको ये देखो इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये अपडेट के लिए मांग रहा है तो इसे आप यहाँ से अपडेट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने इससे अपडेट कर लिया है। अगर यदि आप जीमेल पे चाहते हैं टेक्स्ट मैसेज तो जीमेल को अपडेट कर लीजिए, जिस भी ऐप पे आप टेक्स्ट मैसेज चाह रहे हैं उसे आप यहाँ से अपडेट कर लीजिए। ठीक है, ये आपको करना ही करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपको सिम कार्ड मोबाइल डाटा का ऑप्शन मिलेगा या फिर मोबाइल नेटवर्क आपके फ़ोन में हो सकता है, जो भी सिम हो उस पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आपको देखना है वाईफाई कॉलिंग बंद कर दीजिए, डाटा रोमिंग ऑन कर दीजिए, एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करके 2 डॉट पे क्लिक करके रीसेट एक्सेस पॉइंट कर दीजिए। इस तरीके से मैंने कर दिया है। यहाँ पे आपको जो भी सिम कार्ड है यहाँ पे वो नेम डला होना चाहिए। उसके बाद आप बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद आपको एक काम और करना है, आप अपने फ़ोन में VOLTE इस तरीके से डालना है। अगर ये ऑप्शन आपका यहाँ से बंद है तो बस इस ऑप्शन को यहाँ ऑन कर दीजिए वोल्ट का। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग और सेटिंग के सर्च बार में आप टाइप करेंगे रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, तो यहाँ पे आपको ये देखो मिल जाएगा। तो नेटवर्क सेटिंग को आप रीसेट कर दीजिए, सिस्टम सेटिंग को आप रीसेट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके फ़ोन में OTP हुआ या मैसेज आप भेज रहे हैं 100% की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जो मैंने आपको तरीका बताया है वो काफ़ी कमाल का है। बस आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन के अंदर यानी सिम के अंदर जो प्लान है मैसेज वाला वो है कि नहीं। ठीक है, फिलहाल लेता हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।